Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। एक चाइना से अभी तक कोरोना केस पाकिस्तान में नहीं आया। किसी जर्नैल से सवाल पूछो तो कौमी सलामती के ऊपर हमला। अब मैंने इनके पीछे जाना, अपना ना लायकी को छुपाना, अपना मुआशी दहशत गर्दी को छुपाना। तो उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा तना कादिर, कौकब फारूकी, नर्गिस ज़ुल्फ़िकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। लाहौर में अनारकली बाजार में बम धमाका, 3 अफराद जान बहक, मुतअद्दिद जख्मी। वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। बम मोटरसाइकिल में नब्ज़ किया गया था। पाकिस्तान में योमिया कोरोना केसेस की दूसरी बुलंदतरीन तादाद रिपोर्ट। 24 घंटे में मजीद 6,808 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना केसेस की मजमू तादाद 12,93,081 हो गई। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राणा शमीम पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद कर दी गई। राणा शमीम ने इस्तदा की कि बयान हल्फी की गैर जानबदाराना इंक्वायरी कराई जाए, मुझे अकेला देखकर फर्द जुर्म आयद की गई। शदीद बर्फबारी का इम्कान, NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात ने शुमाली इलाका जात, मरी और गलियात में बर्फबारी और बारिशों की पेशगोई। अलर्ट में कहा गया है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पेश की इकदाम किए जाएं। कराची पोर्ट पर जहाज रेत में फंस गया, निकालने की पहली कोशिश नाकाम। तर्जुमान KPT के मुताबिक जहाज के स्टीयरिंग टूटने की इत्तला है। जहाज निकालने के लिए KPT के 3 टक्स पहुंच गए। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली, ना स्टिकी, ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन, और हाथ नर्म, मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। लाहौर के मशहूर अनारकली बाजार में बम धमाके के नतीजे में 3 अफराद जान बहक जबकि 22 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 5 की हालत तश्वीशनाक बताई गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर के मशहूर अनारकली बाजार में बम धमाके के नतीजे में 3 अफराद जा बहक जबकि 22 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 5 की हालत तश्वीशनाक बताई गई। वजीर आजम इमरान खान ने लाहौर धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस करते हुए जख्मियों को फौरी तौर पर तिबी इमदाद की फरहमी की हिदायत की और पंजाब हुकूमत से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर पुलिस के बयान में इब्तदाई तौर पर धमाके की नौयत सिलेंडर धमाका बताई गई, ताहम बाद में लाहौर पुलिस के तर्जुमान राणा आरिफ ने तस्दीक की कि बम एक मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। धमाके के नतीजे में आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए जबकि मोटरसाइकिल्स में आग लग गई। धमाके के नतीजे में जख्मी होने वाले 2 अफराद की शनाख्त हो गई, जिनमें 30 साल अदनान और 40 साल जमील शामिल हैं। धमाके की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 के अहलकारों ने जाए वकुआ पर पहुँच कर जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद फराहम की और उन्हें करीबी वाकया मियो अस्पताल मुंतकिल किया। मियो अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज करने के अहकाम जारी किए और जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत भी दी। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर आबिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि धमाके की जगह पर 1.5 फीट का गढ़ा पड़ गया, जबकि धमाके की नौयत का जायजा लेने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया, जो शवाहिद इकट्ठे कर रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अनारकली बाजार में धमाके के वाक़े का नोटिस लेते हुए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस से मजीद 5 अफराद जान बहक हो गए, जबकि मजमू अमवात की तादाद 29,042 तक जा पहुंची। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना वायरस से मजीद 5 अफराद जा बहक हो गए, जबकि मजमू अमवात की तादाद 29,042 तक जा पहुंची है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 58,943 कोरोना टेस्ट किए गए,
NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में मज़ीद 6,808 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। कोरोना केसेस की मजमू तादाद 12,93,081 हो गई है। एक दिन में कोरोना के टेस्ट मुस्बत निकलने की शरह 11.55% रही, जबकि कोरोना के 918 मरीज इंतहाई निगहदाश्त में जेर इलाज हैं। याद रहे कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना के वार जारी हैं, ताहम गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मुस्बत केसेस की सबसे ज़्यादा शरह कराची में रिकॉर्ड की गई। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 41.06% रिकॉर्ड हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बयान हल्फी केस में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बयान हल्फी केस में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद कर दी। हाई कोर्ट में राना शमीम तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। राना शमीम अखबार के मालिक सहाफ़ी अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर साकिब बशीर अदालत में पेश हुए और कहा कि अटॉर्नी जनरल और अदालती मुआवनीन की राय के मुताबिक सहाफ़ियों की हद तक फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर की जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि अखबार के एक आर्टिकल का ताल्लुक साकिब निसार से नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ है। लोगों को बताया गया है कि इस कोर्ट के जजेस कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। एक केस दो दिन बाद समाअत के लिए फिक्स था। जब खबर शाया की गई खुलकर बात करता हूं। हमारे पास छुपाने को कुछ भी नहीं। हमारा साकिब निसार से या किसी से भी कोई ताल्लुक नहीं। क्या करें, हम खामोशी से बैठकर लोगों का एतमाद ख़त्म होने दें। चीफ जस्टिस ने कहा जो बयानियां बनाया गया वो बता दें हमारे कौन से ऑर्डर पर फिट आता है। जिनकी अपीलों से मुतालिक बयान हल्फी आया वो तो इसे रिकॉर्ड पर नहीं लाए। अगर कोई गलती थी तो हमें बता दें, हम भी इस पर एक्शन लेंगे। कल को कोई भी थर्ड पार्टी एक कागज़ देगी और उसको हम छाप देंगे तो क्या होगा। इतना बड़ा अखबार कहे कि उन्होंने इस हवाले से कोई कानूनी राय नहीं ली तो फिर ये ज्यादती होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरी मौदबाना दरख्वास्त होगी कि राना शमीम पर चार्ज फ्रेम और बाकियों की हद तक चार्ज मौखर किया जाए। राना शमीम ने इस्तेदा की कि बयान हल्फी की गैर जानबदाराना इंक्वायरी की जाए। मैंने इस कोर्ट से मुतालिक एक लफ्ज़ नहीं लिखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम के अटॉर्नी जनरल को बतौर प्रोसिक्यूटर तब्दील करने और बयान हल्फी के तनाज़े में इंक्वायरी कराने की दो दरख्वास्तें नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज कर दी। अदालत ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद कर दी, लेकिन अखबार के मालिक सहाफ़ी अंसार अब्बासी एडिटर आमिर गौरी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी। समाअत के बाद राना शमीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे अकेला देख कर फर्द जुर्म आयद की गई। जिस सहाफ़ी ने खबर पब्लिश की उसको माफ़ कर दिया गया। तर्जमान NDMA के मुताबिक महकमे मौसमियात ने शुमाली इलाका जात बिलखसूस मरी और गलियात में आइंदा चंद रोज़ के दरमियान बर्फबारी और बारिशों की पेशगोई की है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। शुमाली इलाका जात में आइंदा चंद रोज़ के दरमियान बर्फबारी और बारिशों के कबल NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। तर्जमान NDMA के मुताबिक महकमा मौसमियात ने शुमाली इलाका जात बिलखसूस मरी और गिलियात में आइंदा चंद रोज़ के दौरान बर्फबारी और बारिशों की पेशगोई की है। मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशनगोई के बायस मुतालिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया। NDMA की जानिब से जारी अलर्ट में कहा गया कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पेशगी इकदामात किए जाएँ ताकि किसी जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। कराची पोर्ट पर आने वाले कंटेनर शिप का स्टीयरिंग टूट गया, जहाज रेत में फंस गया। निकालने की पहली कोशिश नाकाम हो गई। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची पोर्ट पर आने वाले कंटेनर शिप का स्टीयरिंग टूट गया, जहाज रेत में फंस गया। निकालने की पहली कोशिश नाकाम हो गई। तर्जुमान KPT के मुताबिक जहाज के स्टीयरिंग टूटने की इत्तला है। जहाज निकालने के लिए KPT के 3 टग्स पहुंच गए। KPT तर्जुमान का कहना है कि लाइबेरिया का जहाज Emily 2 ग्राउंड हुआ है। पोर्ट जराए के मुताबिक हाई टाइटेड के दौरान 3 टग्स जहाज को ना निकाल सके। आज रात जहाज निकालने की दोबारा कोशिश किए जाने का इम्कान है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV ke Pakistan studio mein aapko kahenge khushamdeed. Ek China se abhi tak corona case Pakistan mein nahi aaya.
किसी जर्नैल से सवाल पूछो तो कौमी सलामती के ऊपर हमला। अब मैंने इनके पीछे जाना, अपना ना लायकी को छुपाना, अपना मुआशी दहशत गर्दी को छुपाना। तो उम्मा के मुहाफिजों ने बहुत सी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहाँ। डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। बुशरा खान, सारा, तनाकादी, कौकब फारूकी, नर्जी जुल्फिकार, तूबा शकील, टेक टीवी पाकिस्तान।